दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप वहां पे वीडियो कॉलिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं उस वीडियो कॉलिंग को अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वो भी ऑडियो के साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो कैसे आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। काफ़ी ईजी प्रोसेस है और इस प्रोसेस से आप यहाँ पर वीडियो कॉलिंग को अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाइएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसमें कुछ सेटिंग करना है, या प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे जितने भी डिवाइस आते हैं सभी में ये स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप चाहे तो सेटिंग में भी सर्च कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, या जो आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल देखने मिलता है इस कंट्रोल पैनल में जाइएगा तो आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर देखने मिलेगा। सिंपली क्या करना है, इस पर आपको टैप करके इस प्रकार से रखना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे सेटिंग में चले जाइएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका रिकॉर्ड सिस्टम साउंड वाला ऑप्शन अगर ऑन किया हुआ तो इसको आपको बंद देना है और रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड वाले ऑप्शन को दोस्तों आपको यहां से ऑन कर लेना है। देन उसके बाद आपको डेफिनेशन में ऑप्शन देखने मिलेगा जिसको आपको 1/80 16 Mbps में सेट कर लेना है। जितना हाई रेजोल्यूशन रहेगा उतना बेटर है, वो आप अपने डिवाइस से हिसाब से देख लेना है। देन फ्रेम रेट में जाना है, फ्रेम रेट में जाने के बाद 60 FPS पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद नीचे में आप यहां पर जाइएगा तो यहां पर रिकॉर्ड फ्रॉम पॉइंट कैमरा का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है साथ पे एक छोटा आपका फेस भी वहां पे दिखे, कैमरा भी वहां पे ऑन हो, तो कर सकते हैं या इसको आप बंद कर दे। देन यहां पे शो स्क्रीन टेक्स्ट जेस्चर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी टाइप कीजिएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो आप चाहे तो इसको बंद कर ले जिससे दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है। और साथ में वीडियो कॉर्डिंग फॉर्मेट वाले ऑप्शन में जाना है जिसको आपको फॉर बेटर कंपेटेबल वाले ऑप्शन को यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। बस ये आपको सेटिंग कर लेना है। उसी प्रकार से अगर आपके पास मान लीजिए कि Redmi का डिवाइस है, Poco का डिवाइस है, उसमें अगर आपको सेट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर पे टैप करके रखना है और इसका रिजोल्यूशन जितना हाई हो सके उसको यहाँ पे सेट कर लेना है। वीडियो क्वालिटी में जाना है, आप 32 Mbps या 50 Mbps पे सेट कर सकते हैं। मैं 32 Mbps पे सेट कर लेता हूँ। ओरिएंटल में जाना है, देन चाहे तो आप इसको ऑटो में, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको पोर्ट्रेट में सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आपको साउंड सोर्स में आपको यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम साउंड को नहीं करना है, यहाँ पे माइक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिस्टम साउंड को कीजिएगा तो ऑडियो दोस्तों यहां पे कैप्चर नहीं होगा। देन उसके बाद लॉक स्क्रीन टू इन का ऑप्शन मिलेगा, आप चाहते कि जैसे मोबाइल लॉक स्क्रीन हो जाए और स्क्रीन रिकॉर्डर बंद हो जाए तो इसको आप यहां पे ऑन कर सकते हैं, या चाहते हैं कि अगर मोबाइल लॉक हो फिर भी स्क्रीन रिकॉर्डर काम करते रहे तो इसको आप यहां पे ऑफ कर सकते हैं। शो टच जेस्चर को आपको बंद कर लेना है और शो बटन टैप वाले ऑप्शन को आपको यहां पे बंद कर लेना है जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिएगा तो कोई यहां पे जेस्चर वहां पे शो नहीं होगा। चलिए अब आपको क्या करना है, एक कॉलिंग में आपको यहां पे करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप को मैं ओपन करता हूं और वीडियो कॉलिंग दोस्तों मैं यहां पे लगा लेता हूं। फिलहाल यहां पे देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग मैंने यहां पे लगा लिया है और यहां पे दोस्तों कॉल आ चुका है। देन उसके बाद मैं यहां पे व्हाट्सएप को एक बार ओपन कर लेता हूं और व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऊपर में ही दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आ चुका है। इस पर क्लिक करना है और मैं इसको दोस्तों यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ। फिलहाल जैसे आप यहाँ पे रिसीव कीजिएगा दोनों में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर करना है तो सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल कीजिएगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ पे इसको क्या करना है, यहाँ से ऑन कर लेना है। ये ऑन करने ये ऑन हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे डिवाइस में जाइएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करना है, देन इसको आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। अब ये दोनों डिवाइस में दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कर लेते हैं तो जो भी आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, जिस हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कीजिएगा तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे बोलिएगा दोनों में दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्क्रीन के साथ ऑडियो भी दोस्तों यहाँ पे कैप्चर होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्टॉप करने के लिए। सिंपली क्या करना, इस प्रकार से आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। इसको भी दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी वीडियो कॉलिंग चल रहा है उसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। ये बंद करने के बाद आपको यहाँ से बैक होना है। सबसे पहले इसकी ऑडियो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्क्रीन शॉट वाले ऑप्शन में जाता हूँ। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, इसकी ऑडियो सुन सकते हैं। दूसरे डिवाइस में जाइएगा, स्क्रीन रिकॉर्डर पे क्लिक करना है, देन इसको आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। और ये दोनों डिवाइस में दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कर लेते हैं तो जो भी आप यहाँ पे तो इसमें देख सकते हैं ऑडियो काफ़ी क्लियर आ रहा है। उसी प्रकार से अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं, इस पर क्लिक कीजिएगा, देन उसके बाद इसकी भी ऑडियो आप सुन सकते हैं। अब ये दोनों डिवाइस में दोस्तों जैसे आप यहाँ पे कर लेते हैं तो जो भी आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कीजिएगा, जिस हिसाब से आप यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कीजिएगा तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पे बोलिएगा दोनों में दोस्तों यहाँ पे वीडियो स्क्रीन। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं विथ ऑडियो के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं।